तो अब मेरी इस वीडियो के बाद श्रीलंका और मालदीव की वीडियो शुरू हो जाएगी। ये बस एक बोनस वीडियो के तौर पे है कि बस जो मैंने नया लैपटॉप खरीदा है और नया फ़ोन लिया है उसकी वीडियो है ये। मैं आपको ये दिखाना चाहता था, मतलब बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि आप कैसे बैग पैक करते हो अपना इंटरनेशनल टूर्स के लिए, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये लोगों को एक अनबॉक्सिंग देखने में बहुत मज़ा आता है तो उसके लिए बना रहा हूँ मैं बस ये वीडियो। पहले जो मेरे पास लैपटॉप था वो था कुछ ऐसा, ये है लेनोवो का Z50। 3 साल पहले मैंने लिया था और इसका वेट है 2.67 kg के करीब। तो कई बार क्या होता है जो हम एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं बजट एयरलाइन से, वो आपको कई बार देंगी 7 किलो, कई बार देंगी 10 किलो, इससे ज़्यादा कभी नहीं देते हैं। और बैग में आपको लेके जाना पड़ता है, हर जगह घूमना पड़ता है अगर आप बैग पैकर हो तो। उसमें क्या होता है आपका 2.7 kg, अगर मेरा 7 किलो में से सिर्फ लैपटॉप ले रहा है तो उसके अलावा मैं क्या पैक कर सकता हूँ। जैसे मैं सिंगापुर और मलेशिया गया था, वीडियो में देखना, मेरा लैपटॉप ने ही 2.7 kg के करीब मेरा वेट ले लिया था। तो एक नई लैपटॉप की हमारे घर में जरूरत थी तो मैंने सोचा ये वाला भारी वाला लैपटॉप घर पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो वैसे भी रखा रहेगा और मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे लिए एक हल्का लैपटॉप मैंने ऑर्डर किया। एक मैं आपको पहले बता दूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले पेटीएम ने मेरे को बहुत दुखी करा, वो अब छोड़ो उसकी बात, पर बहुत दुखी करा मेरे को। तो मैंने आखिरकार अमेज़ोन से ऑर्डर किया, मैं घर पे आया था कि मेरे को एक दिन में डिलीवरी चाहिए तो अमेज़ोन ने एक दिन में डिलीवरी कर दी लैपटॉप की। खैर ये लैपटॉप इतना हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है, ये है ASUS का Vivobook, ये है कुल 32,300 के करीब का। चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग मैंने वैसे कर दी है पर आपके सामने दोबारा कर देते हैं। अब मैं कैमरे को कैसे सेट करूँ, एक मिनट। ये है Vivobook, अब आपको दिख रहा होगा साफ शायद, ठीक है। तो मैं अकेला कैमरामैन हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऊपर। तो ये है ASUS Vivobook का डिब्बा, अब इसको ऐसे, और ये मैंने ऑनलाइन लाइट फ़ोन लिया, मेरे को फ़ोन की ज़रूरत नहीं थी पर घर पे एक फ़ोन की ज़रूरत थी तो वो जो मेरा टूटा हुआ फ़ोन था वो जा चुका है। चलो इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं पहले। ऐसा कुछ खास मिलता नहीं आजकल के फ़ोन्स में, मैंने ऐसे कैसे पैक कर दिया वापस। ये कुछ ऐसा ऑनर का फ़ोन मिलता है, अभी स्विच ऑन है, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, वो सब तो आप देख लेना। पीछे से ग्लास का मेरे को अच्छा लगा डिज़ाइन, बेजल लेस बनाने की कोशिश करी है। फिर इसके साथ एक ऐसा चार्जर मिलता है, फास्ट चार्जिंग नहीं है, नॉर्मल वाला चार्जर है। और अगर इसको खोलें तो एक ये आपको कवर मिलता है जो मैंने चढ़ा रखा था, अभी वीडियो बनाने के लिए उतार दिया, इसको ऐसे चढ़ जाता है, ये ठीक ठाक लगता है। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये कुछ मेरे को पड़ा है 11,000 का फ्लिपकार्ट से, ये मेरे पास 4-5 दिन पहले आ गया था, ठीक चल रहा है। 3 GB रैम और 32 GB वाला वेरिएंट ही है। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, ASUS Vivobook की। तो जो मेरा लैपटॉप था लेनोवो का, इससे अब अगर आपको कंपेयर करूं तो इसको रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है नहीं दिख रहा वीडियो मेरे को पता नहीं। तो ये जो Vivobook है इसका वेट है कुल 1.6 kg, तो 1.6 kg अगर इसका वेट है तो मेरे को बहुत फ़ायदा होने वाला है ट्रैवल के टाइम पर। इसको अगर अनबॉक्स करें, ये आज सुबह सुबह डिलीवर हो गया 8 बजे, तो अमेज़ोन से आप प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं। ये ऐसे खोलें, इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल, ये आता है लैपटॉप, अभी ऑन है, इसको रखते हैं साइड में। ये 2-4 मैनुअल्स और ये है इसका चार्जर ASUS का। और इसकी एक और ख़ासियत मैं बताऊँ, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो बेस्ट बजट लैपटॉप है 32,000 का। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कौन सा लैपटॉप है। और ये 50 मिनट्स में 60% चार्ज हो जाता है, सबसे बढ़िया बात ये है। तो अगर मैं इसको ऐसे खोलूं तो ये निकला आपका ASUS का Vivobook, ये है लैपटॉप। और इसको अगर मैं ऐसे खोल दूं, ये देखिए ऐसे खुलता नहीं है, ये एक हाथ से थोड़ा करना पड़ेगा, ये आता है ऐसे। और ये पहले से ही ऑन था लैपटॉप, तो इसे फिंगरप्रिंट सेंसर है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक हाथ में ऐसे पकड़ सकता हूं मैं। 1.5 किलो का लैपटॉप है, बिल्कुल स्लिम। अगर मैं इसको यहां से बंद कर दूं ऐसे, तो यहां पे एक ये जो पोर्ट है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेरे बड़े सोनी वाले कैमरे की फोटोज ऐसे मैक्रो SD कार्ड में आती हैं और यहां पे SD कार्ड लगा के इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, तो ये पोर्ट्स कई लैपटॉप में नहीं था i5 वगैरह में, तो इसलिए मैंने ये वाला चूज़ किया लैपटॉप। मैंने अपने हिसाब से देखा है, ऐसा कुछ खास नहीं है लैपटॉप, i3 7th generation है, 4 GB की DDR4 रैम है, मैं इसको 8 GB करा लूँगा। 8 GB वाला वेरिएंट था नहीं अमेज़ॉन पे, मेरे को लैपटॉप बिल्कुल अर्जेंट चाहिए था, तो 8 GB 4 GB की रैम और कुछ
3,500-3,500 के करीब आ जाएगी। और इसमें दो चार और पोर्ट्स हैं और पीछे से बैटरी आप निकाल नहीं सकते, पीछे से कुछ ऐसा है। विंडोज 10 डली डलाई आई है इसमें। और अगर मैं इसको ऐसे खोलूं तो ये खुल जाता है लैपटॉप। यहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर, यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स, नैनो एच डिस्प्ले, ये जैसे आप देख सकते हैं ये 15.6 इंच का स्क्रीन है। पर ये जो मेरा पिछला लैपटॉप है उससे बहुत छोटा है। इसको मैंने ऐसे करा फिंगरप्रिंट, हेलो नवांकुर, और ये खुल गया। मेरा भाई मेरी वीडियो देख रहा था। तो ये है कुछ, अगर इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ऐसा लैपटॉप। कलर भी अच्छा है। 32,000 के हिसाब से अगर लाइट वेट लैपटॉप आपको चाहिए, इसी में आपको i3, i5 और i7 जनरेशन के आपको लैपटॉप मिल जाएंगे। वो प्राइसेस के हिसाब से 1,00,000 तक 1.5 लाख तक आते हैं। मेरे को बस चाहिए कि फ्लाइज ट्रांसफ़र हो जाए और मेरी एडिटिंग हो जाए थोड़ी बहुत। मेरे को इतना तेज़ एडिटिंग नहीं चाहिए, मैं लैपटॉप रख के छोड़ देता हूँ। 2 घंटे तक एडिटिंग करने दो, कोई बात नहीं। थोड़ा और अगर मेरे को बड़ी फाइल्स, अगर मैं कभी कामयाब हो गए यूट्यूब पे तो अगर बड़ी फाइल्स होंगी तो नया लैपटॉप अपने आप आ जाएगा। तो ये था मेरा इसको मैं अगर कंपेयर करूँ अपने इस पुराने वाले लैपटॉप से, तो देखो वेट में तो ये कुछ, ओ भाई, वेट में तो 1.1 kg से वैसे ही ज़्यादा है। और अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ तो ये आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंस। मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, इसमें डिफरेंस यहाँ से, यहाँ से। और दोनों का अगर मैं आपको स्क्रीन कंपेरिजन दूँ तो ये ऐसा दिखेगा आपको। और इसको भी अगर खोल दूँ, ये एक हाथ से खुल जाता था, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो देख रहे हैं आप इसके बेजल्स यहाँ पे अगर दिख रहे हो तो कितने मोटे, और इसके यहाँ पे कितने नैनो बेजल टेक्नोलॉजी। इसमें i5 फोर्थ जनरेशन था, 8 GB रैम थी इसमें, 4 GB रैम है इसमें, 4 GB ग्राफिक कार्ड था। पर ट्रैवल करते वक्त हमको ट्रैवल करना पड़ता है लाइट, तो मैंने मंगा लिया ASUS का ये Vivobook। और इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, लैपटॉप लैपटॉप की तरह लैपटॉप है। तो ये थी मेरी एक बस बोनस वीडियो के तौर पे। अब इसके बाद आपके लिए एक आएगी बैग पैकिंग की वीडियो, कि मैं कैसे बैग पैक करता हूँ अपने टूर के लिए। और बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक दे रखे मैंने नीचे, यहाँ पे भी लिखे आ जाएंगे। और बस चलो, सब्सक्राइब करने का मन हो सब्सक्राइब कर लेना।